कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के द्वारा आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सब ने देखी है। कार्यकर्ता जो मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि सीएम को अंडर हाउस अंडर अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या है इसके पीछे सत्यता क्या है? ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। एंड एज बीइंग सीएम दिल्ली ही कैन मूव अराउंड वेयर एवर ही वांट्स एंड देयर इज नो एज सच फ्रॉम आवर साइड।